एल्विस यादव नाम तो सुना ही होगा। हरियाणा के राव साहब हिंदुओं की आन बान शान एल्विस की छवि को जिस तरह से बिग बॉस में बॉलीवुडिया भांडों ने बिगाड़ने का प्रयास किया वो आप सभी जानते हैं। जो लड़का किसी लड़की के पैर लग जाने पर उसके पैर छूकर माफी मांगता हो, उस एल्विस यादव को ये बॉलीवुडिया भांड महिला विरोधी दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो ये कि बेहतर हूरों की इच्छा रखने वाले अब्दुल चाचा के लड़के सलमान खान को एल्विस यादव ने एक समय पर जमकर बजा दिया था। उसकी सारी पोल पट्टी सबके सामने खोलकर रख दी थी, बस सलमान खान को उसी की खुन्नस थी और इसीलिए बिग बॉस में सनातनी लड़के एल्विस को जलील करने की कोशिश की जाती है और ऐसा दिखाने का प्रयास किया जाता है कि जैसे कि वो बहुत बड़ा अपराधी हो। उसे उसकी माँ के सामने रुलाकर अंदर से तोड़ने की कोशिश की जाती है। सलमान खान एल्विस की फैन आर्मी को नकली कहता है, साथ ही साथ उसके कंटेंट को क्रिंज कहता है, जबकि एमसी स्टैन जैसे छपरियों को वो बिग बॉस का विनर बना देता है। जिनका कंटेंट तो कंटेंट, सब कुछ क्रिंज होता है, सब कुछ बकवास होता है, उनको ये बिग बॉस की ट्रॉफी जितवा देता है। लेकिन यहाँ पर सबसे मजेदार बात ये रही कि एल्विस यादव के साथ ऐसा करना सलमान खान को भारी पड़ गया और एल्विस आर्मी को फ्री का कंटेंट देखने वाला बोलकर सलमान खान ने और भी बड़ी गलती कर दी और एक बड़ा पंगा मोल ले लिया, जिसके चलते कुछ ही मिनटों में सलमान खान अपने करोड़ों का नुकसान कर बैठे। कैसे क्या कुछ हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सलमान खान और बॉलीवुड के भांडों ने मिलकर एल्विस के साथ ऐसी साजिश क्यों रची। आइए आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए समझाते हैं। और हाँ, यदि आप भी एल्विस यादव को पसंद करते हैं, उनसे जुड़ा कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एल्विस यादव एक यूट्यूबर है और वो यूट्यूबर जो कि राइट विंगर्स का एक अहम चेहरा माने जाते हैं, और जिस तरह से यूट्यूबर्स ने बॉलीवुड के टट्टी कंटेंट को एक्सपोज किया है उससे बॉलीवुड या गैंग बौखलाया हुआ है। पिछले कुछ समय से इनकी फिल्में बिल्कुल भी नहीं चल रही क्योंकि इनके पास कंटेंट के नाम पर सिर्फ साउथ की फिल्मों का कॉपी पेस्ट होता है। जो ऑडियंस किसी समय बॉलीवुड का हुआ करता था वो अब यूट्यूबर्स की तरफ शिफ्ट हो गया है क्योंकि लोग अच्छा कंटेंट देखना पसंद करते हैं। बॉलीवुड की अधिकतर फिल्में हिंदू धर्म विरोधी होती हैं, जिसके कारण इनकी फिल्मों का जमकर बायकॉट हो रहा है और कोई इनकी फिल्मों को देखने नहीं जाता और ना ही कोई अब इनको पसंद करता है। जिस स्टारडम के दम पर ये उछलते थे वो सब का सब धरा का धरा रह गया है। लोग अब यूट्यूबर्स को देखना पसंद करते हैं। वहीं पर अब बात करते हैं सलमान खान को हुए करोड़ों के नुकसान की। आपको बता दें, जब सलमान खान ने एल्विस को नीचा दिखाने की कोशिश की और एल्विस आर्मी को नकली आर्मी बोला और कहा कि उन्हें एल्विस का कंटेंट फ्री में देखने को मिलता है इसलिए वो उनके फैन हैं, अगर उनको फिल्मों की तरह 500 रुपए देकर कंटेंट देखने को मिलता तो उन्हें कोई नहीं देखता। सलमान खान की इस बात से एल्विस के फैन भड़क गए और कुछ ही घंटों में 3.2 मिलियन लोगों ने सलमान खान को अनफॉलो कर दिया और ट्विटर पर बायकॉट सलमान खान ट्रेंड करने लगा। अब 32 लाख लोग जो कि सलमान खान को देखने जाते थे वो अब नहीं जाएंगे। अगर उनकी फिल्म का टिकट 250 रुपए भी माना जाए तो सलमान खान को 80 करोड़ का नुकसान होता है। हालांकि आप भी अगर एल्विस यादव को पसंद करते हैं तो कमेंट में सिस्टम जरूर लिखें।